सरकार के दोबारा सत्ता में आने के साथ ही 100 दिन के सेवा सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित कार्यकाल की इस पहली प्रेस वार्ता में अपने वरिष्ठ सहयोगियों की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में अभी हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर के जिस उद्देश्य से अपना आशीर्वाद दिया था, जीत का वह सिलसिला जन विश्वास का प्रतीक तो था ही, वह निरंतर नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलीयों ने जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 0 पर रही। यही नहीं, विधान परिषद गठन के पश्चात 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी चुनाव के साथ प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण लोकसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में। दोनों सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस उपचुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति और सरकार की सक्रियता और बेहतर समन्वय का एक परिणाम है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को प्राप्त हुआ और दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। ₹25 मार्च 2022 को हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर शपथ ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्षों के बाद यह अवसर आया था जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करे और 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के उपरांत फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया।
और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने के साथ ही सरकार को सफलतापूर्वक संचालन करने के अपने 100 दिन के अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ जो कहा सो किया केस अपने परंपरागत अभियान को लेकर के फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की सब आबादी के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में संभावना है, एक पोटेंशियल है कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है। उस सामर्थ्य को सजोने का कार्य और उसको देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य, उसकी आधारशिला 2017 से मार्च 2022 के बीच में हमारी सरकार ने किया। अब दूसरा कार्यकाल जो हमें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, इस दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ हम सब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 trillion की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 trillion तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। ये पहली बार हुआ है कि 10 सेक्टर के प्रेजेंटेशन में सभी हमारे सहयोगी मंत्रीगण मौजूद थे, उनके मार्गदर्शन में उनके विभागों ने उसका प्रेजेंटेशन स्वयं बनाया, उसका अध्ययन किया, फिर उसका मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुतीकरण हुआ, उस पर चर्चा हुई और फिर उसकी ठोस कार्य योजना बना करके हर एक सेक्टर के लिए एक सीनियर अधिकारी को जिम्मेदारी देकर के उस सेक्टर की उन संभावनाओं को जो उत्तर प्रदेश को आगामी 5 वर्ष के अंदर $1 trillion की इकोनॉमी के समकक्ष पहुंचाने में योगदान दे सकेगा, वह कार्यक्रम भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार जनता के द्वार इस कार्यक्रम को मेरे सहयोगी मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रियों ने 18 समूहों के साथ जुड़ करके अलग अलग समूह मंत्री समूह को 18 मंत्री समूह ने 18 कमिश्नरी को केंद्र में रख करके 72 घंटे के लिए एक एक कमिश्नरी में कैंप किया, जनपद स्तर पर गए, गांव में गए, नगर में गए, अलग अलग संगठनों संस्थाओं के साथ बैठकें भी संपन्न की, जनता चौपाल के कार्यक्रम भी आयोजित किए, विकास कार्यों के भौतिक सर्वेक्षण भी किए और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जो जनता के मन में एक नया विश्वास पैदा कर सके।
मंत्री समूह ने अब तक हर मंत्री समूह दो दो कमिश्नरी कवर कर चुके हैं और सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को एक नई गति उनके मार्गदर्शन में न केवल अपने विभाग के कार्यों को बल्कि जमीनी धरातल पर जाकर के देख करके शासन की सभी प्रकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन का कार्यक्रम भी आज प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का कार्य हो रहा है। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने के लिए एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, इस टीम वर्क ने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी और आज उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अगले 5 वर्ष की जो कार्य योजना तैयार की है इसमें 100 दिन के जो लक्ष्य तय किए गए थे उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्य योजना तैयार की इस दौरान हम लोगों ने तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल किया है। पहली बार हुआ जब प्रदेश के अंदर पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ई पेंशन की सुविधा लागू हुई। अब किसी रिटायर्ड कर्मचारी को अपने पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसने इस कार्यक्रम को इन 100 दिनों के अंदर संपन्न करके प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से कार्मिकों की ई विधान के साथ संपन्न हुआ है और ही नहीं आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का दोनों सदनों को मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। ये 100 दिन के अंदर ही ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश 2017 के पहले परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी, पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के सामने 2017 के पहले था। केंद्र सरकार की योजनाओं को 2014 के बाद अनेक लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को केंद्र सरकार ने लागू किया लेकिन राज्य सरकार की इच्छा शक्ति उन्हें लागू करने की नहीं दिखती थी। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को जो हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो इस दिशा में जो प्रयास किए देश के अंदर उसका एक विश्वास के रूप में बदला। उत्तर प्रदेश के प्रसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली और उसका परिणाम था कि यहां पे निवेश की अनेक संभावनाओं ने आगे बढ़ करके
प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां देना भी प्रारंभ किया। निवेश की इन संभावनाओं ने प्रदेश में रोजगार के सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। अगर मैं देखूं तो अब तक 2017 से अब तक 2925 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर माफियाओं से जब्त की है। यही नहीं, ये पहली बार हुआ है कि जब पुलिस के संरक्षण में कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं बल्कि अवैध पार्किंग हटाए गए, टैक्सी स्टैंड हटाए गए, उन्हें व्यवस्थित स्वरूप नगर निकायों के साथ मिलकर के भी प्रदान किया गया और आज लगभग प्रदेश के अंदर 68,700 से अधिक अतिक्रमण स्थल जो सड़कों पर अतिक्रमण बनाए गए थे, आवागमन को बाधित करके किए जाते थे, उनको हटाया गया। 76,000 से अधिक अवैध पार्किंग स्थल भी मुक्त किए गए और वहां पर अब वाहनों की पार्किंग की सुविधा प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है। और ये पहली बार हुआ कि धर्मस्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनके वैल्यूम को कम किया गया और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतः स्फूर्त भाव के साथ, ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। प्रदेश सरकार के ही इन कार्यक्रमों के आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज सड़कों पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते, कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं जिसमें चाहे वह अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होंगे बल्कि जहां धर्मस्थल में तय है वहीं होगी। ईद के कार्यक्रम, रामनवमी के कार्यक्रम, अन्य कोई भी कार्यक्रम कहीं भी किसी सड़क पर करते हुए महिला और बालिकाओं के प्रति अपराधियों को कोई भी अपराध करने वाले अपराधियों को भी न केवल सजा दिलाई गई बल्कि उसकी प्रभावी पैरवी करते उसे कटघरे में भी खड़ा किया गया। और ये पहली बार हो रहा है जब प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर अग्निशमन केंद्र की स्थापना करने के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश हर तहसील में अग्निशमन केंद्र की स्थापना करने की ओर अग्रसर है और हमारा प्रयास है कि अगले 2 वर्ष के अंदर हर तहसील में एक अग्निशमन केंद्र की स्थापना हो सके जिससे अग्नि सुरक्षा के साथ साथ लोगों को इस प्रकार की किसी भी अग्निकांड की घटना से बचाव के बारे में भी उन्हें एक शासन के स्तर पर सहयोग मिल सके। हम सब इस बात को जानते हैं कि विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश की जीडीपी में लगभग दुगनी वृद्धि हुई है, अर्थव्यवस्था हमारी पहले की तुलना में लगभग दुगने की वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में भी दुगने की वृद्धि प्रदेश के अंदर हुई है।
प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के बजट के दायरे को भी हमने दुगने से अधिक बढ़ाया है। 2016-17 में प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ का था, आज वह बढ़कर के 6,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का है और जनता के प्रति सरकार की प्रति